Hello everyone, namaste and welcome to Dr. Anil Kumar Mugli's YouTube channel. The videos, created by Varada Bayana and Jawari Bayana, serve both educational and entertainment purposes. We kindly ask for your support in watching and sharing our content. Please consider subscribing to our channel and thank you for your continued loyalty and interest. इस बार विषय आपके घर के जानवरों से भी जुड़ा हो सकता है ये सवाल बादामी के श्री एम बी पुलिस पाटल ने पूछा है हमारे मवेशियों को चर्म रोग है हमारे मवेशियों को चर्म रोग है बादामी से श्री एम पुलिस पाटल ने कृषि मुन्नरे के कडेगोलू कॉलम में एक प्रश्न पूछा हमारे मवेशियों को त्वचा रोग है चेहरा भुजाओं के नीचे कंधे शरीर के निचले हिस्से और शरीर के कई हिस्सों और पूंछ के आसपास सफ़ेद क्षेत्र पाए जाते हैं भैंस की पूँछ का सिरा अधिक संवेदनशील होता है बैलों की पूँछ के सारे बाल झड़ गए हैं और वे गंजे प्रतीत हो रहे हैं रगड़ने से पूँछ की त्वचा मोटी होकर कट जाती है और टुकड़ों में बच जाती है सूखे के मौसम में दरारें सूखी और काली मिट्टी के रूप में दिखाई देती हैं कुछ लोगों की बात सुनने के बाद मैंने ऐसी रोगग्रस्त पूंछ को उबलते होंगे पोंग में या नीम के तेल में डुबाया क्या आप जानते हैं ये कौन सी बीमारी भगवान का श्राप है और इतना ही नहीं अगर यही त्वचा रोग छोटे बच्चों में भी दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ इस खराब त्वचा रोगी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए क्या कोई जादुई मंत्र है मुझे लगता है कि आपने ये बात बहुत दुख के साथ कही है आपका प्रश्न मुख्यतः पशुओं में होने वाले त्वचा रोग के बारे में है चमड़ीदार पूंछ विभिन्न प्रकार की क्षति के प्रति संवेदनशील होती है जैसे आंशिक मृत्यु गैंग्रीन परिग्लिन शीनता या क्षय और चोटें यह एक आम धारणा है कि यदि लंबे समय तक इलाज न किया जाए तो बीमारी बढ़ती है और पशु की मृत्यु हो जाती है नामित बीमारियों में से कई जैसे कि खुजली खुजली गैंग्रीन नेक्रोसिस स्केबीज त्वचा रोग टूटी हुई पूंछ इत्यादि नियमित पशु चिकित्सा प्रबंधन का जवाब नहीं देते हैं और अंततः पूंछ को शल्य चिकित्सा द्वारा विच्छेदन करने का निर्णय लिया जाता है उपाख्यानों और विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय मवेशियों में शुष्क या सर्दी के मौसम में पूंछ में कुछ प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमित होने के कारण पूंछ संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं दरअसल त्वचा रोगों का प्रबंधन अभी भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि एक कहावत याद रखें त्वचा रोग एक ही दिन में आते और जाते नहीं हैं त्वचा मानव और पशु शरीर का सबसे बड़ा अंग है और आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती है सींग और खुर त्वचा से उत्पन्न होते हैं आइए त्वचा रोगों पर नजर डालें बैक्टीरिया परजीवी टिक्स मक्खिया लीखे, जू, आंतरिक परजीवी प्रोटोजोआ कवक, बालों के झड़ने के गोलाकार क्षेत्र पपड़ीदार और कभी कभी सूजन वाली लकीरें पपड़ी भी विकसित हो सकती है त्वचा की समस्याएं शारीरिक और रासायनिक लालिमा बालों का झड़ना पपड़ी बनना अल्सर होना स्राव फिर आधुनिक या पारंपरिक मलहम लगाया जा सकता है पोषण पोषण की कमी मवेशी कमज़ोर है त्वचा रोगों के लिए वंशानुगत संवेदनशीलता विषाक्तता कुछ जैविक विषाक्त पदार्थ और अन्य स्थितियां नासूर घाव आमतौर पर संक्रमित और स्वस्थ जानवरों के बीच सीधी संपर्क या दूषित कपड़ों बर्तनों और फर्नीचर से फैलते हैं घुन के कारण होने वाले लक्षण सिर गर्दन और कंधों पर शुरू होते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल सकते हैं पूरे शरीर को सिर्फ डेढ़ महीने में कवर किया जा सकता है खुजली काटना खुजली गंभीर होती है और छाले और पपड़ी पर जाती है त्वचा मोटी हो जाती है और बड़ी सिलवटें बन जाती है कभी कभी ये सबसे पहले संक्रमित जानवरों की पीठ और पार्श्वों पर दिखाई देता है फिर कंधों पर और बाकी हिस्सा लगभग पूरे शरीर को ढक लेता है गंभीर मामलों में जीवाणु संक्रमण आम है बछड़ों की मृत्यु वजन में कमी गायों में दूध उत्पादन में कमी और अन्य बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ गई दो प्रतिशत हॉटलाइम सल्फर डिप्स या स्प्रे का उपयोग किया जा सकता है उपलब्धता के बारे में अपने पशु चिकित्सक से पूछें वे डोरेमेक्टिन आइवमेक्टिन और मोक्सीडेक्टिन इंजेक्शन और ड्रिप दे सकते हैं वर्तमान में उपलब्ध उपचारों में से केवल मोक्सीडेक्टिन और हॉटलाइम सल्फर को डेयरी पशुओं में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है भून जानवरों के शरीर के बाहर तीन सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं और मवेशी शेड में संपर्क के माध्यम से अन्य जानवरों में फैल सकते हैं गर्दन की पट्टियाँ लगाम पुराने जमाने की बाल्टियाँ ब्रश या करी कंघी रस्सियाँ और अन्य उपकरण मवेशियों के झुंड के माध्यम से संक्रमण फैला सकते हैं किसी संक्रमित जानवर के किसी संक्रमित जानवर के संपर्क में आने पर प्रारंभिक घाव गांठों छाले छाले और घावों से शुरू होते हैं और थन अनकोश पूंछ पिछले हिस्से और पैरों तक फैल जाते हैं वयस्क मवेशियों में घाव शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर शरीर और गर्दन पर दिखाई देते हैं बछड़ों के शरीर पर अंडाकार और गोलाकार सफेद सिक्के जैसा गोलाकार निशान देखे जा सकते हैं त्वचा को कुतरने से होने वाली गंभीर जलन या खुजली के कारण जानवर अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को अपने दांतों से काट देते हैं जानवर दीवार नांद और अन्य कठोर नांद और अन्य कठोर वस्तुओं को रगड़ता है स्वयं को विकृत कर सकता है बालों का झरना स्पष्ट हो सकता है आमतौर पर मवेशी दीवार फावड़ा खंभा पौधे पेड़ आदि जैसी बड़ी चीजों को रगड़ते हैं कटने से रक्तस्राव देखा जाता है एक मक्खी उस घाव पर बैठ सकती है और असंख्य अंडे दे सकती है जिसके परिणामस्वरूप कीड़े कीड़े बन सकते हैं आप यहां दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं https यूट्यूब डॉट बीई स्लैश बी डैश के क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स थ्री क्यू जीरो जी सी क्रैप डैश इस बारे में अधिक जानने के लिए कि मक्खियां अंडे कैसे गिराती हैं और परिणामस्वरूप कीड़ों का निर्माण होता है इस तरह के घाव और संकेत सर्दियों के अंत या शुष्क मौसम में अधिक बार दिखाई देते हैं और गर्मी के महीनों के दौरान स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं लेकिन अगर त्वचा रोग व्यापक है तो यह अपेक्षित स्तर तक कम नहीं हुआ है ऐसे में चारा ठीक से न खाने से पशु अशक्त हो सकता है आइए चर्चा करें कि मवेशियों में त्वचा रोगों का इलाज कैसे किया जाता है आधुनिक चिकित्सा इंजेक्शन मलहम का उपयोग इंजेक्शन मलहम का उपयोग पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाता है जो लोग घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें विशेषज्ञों की मदद से इनका इस्तेमाल करना चाहिए परजीवी त्वचा रोग करंज तेल लहसुन अर्क हल्दी पाउडर नींबू अर्क कपूर प्याज अर्क युक्त पेस्ट लगाया जा सकता है फंगल संक्रमण के मामले में वन लहसुन का पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से पर तब तक लगाना चाहिए जब तक ठीक न हो जाए दो नीम की छाल फूल बीज का तेल या नई टहनी का पेस्ट बनाकर प्रभावित भाग के ठीक होने तक लगाना चाहिए ऊन जैसे बाहरी परजीव ऊन जैसे बाहरी परजीवियों के संक्रमण से बचने के लिए वन खाना पकाने के तेल में कस्टद सेब सीताफल के बीज और पत्तियों का रस मिलाएं इसे पाँच दिनों तक दिन में दो बार शरीर पर लगाना चाहिए दो नीम की पत्ती का गूदा शरीर पर लगाना चाहिए तीन सीताफल नीम और तंबाकू की पत्तियां सीताफल के बीज माइनस एक भाग नीम के बीज एक भाग तंबाकू के पत्ते एक बटा पाँच भाग इसका पेस्ट बनाकर दो लीटर पानी में भिगो दें फिर इसे हटा दें घाव में कीड़े हों तो एक कैलेंदुला लहसुन तुलसी के पत्ते और कुचले हुए नींबू का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को घाव पर दिन में दो बार लगाएं दो नीम की छाल फूल नई टहनी का पेस्ट बना लें या बीज का तेल प्रयोग करें प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं तीन बैंगन को मैश करके मक्के के पाउडर के साथ मिला लें प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं चार खीरा या कटहल के पाउडर से दिन में एक बार धोना चाहिए पाँच नीम का तेल या नीम का तेल हल्दी पाउडर में मिलाकर एक हफ्ते तक दिन में दो बार लगाएं छ कुछ लोग बाल रहित औरती पूंछ को उठाते हैं और उबलते पोंगेम या नीम के तेल में मिर्ची बाजी के रूप में डुबाते हैं ऐसा कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में बाल दोबारा उगाते हैं क्या ये क्रूर नहीं लगता पशु चिकित्सालयों में सर्जरी करना मानवीय है सर्वोत्तम परिणामों के लिए ऊपर बताए गए किसी भी उत्पाद से उपचार करने से पहले घावों को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए या ब्रश किया जाना चाहिए एक बार जब पुरानी कोटिंग हटा दी जाती है तो नई कोटिंग प्रभावित त्वचा या घाव में गहराई तक समा जाएगी मवेशियों की त्वचा मवेशियों की त्वचा रोग जूनोटिक रोग है जो मनुष्यों में फैल सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध देने वालों संक्रमित मवेशियों को संभालने वाले जो जानवरों के संपर्क में आए हैं उनमें घुन के लक्षण आम हैं पशुपालकों को पशुओं को संभालने के बाद दस्ताने पहनने चाहिए या टिंचर चार आयोडोफो या हरे साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए एक साफ खलिहान और जीवानुरहित बाड़े आवश्यक हैं चूना सल्फर या क्लोरॉक्स का उपयोग भौतिक सफाई और दबाव छिड़काव के लिए किया जा सकता है आसपास का क्षेत्र और पालना सूखा होना चाहिए रोगग्रस्त पशु आसपास का क्षेत्र और पालना सूखा होना चाहिए रोगग्रस्त पशुओं का स्थानांतरण किया जाना चाहिए दुनिया के कुछ हिस्सों में टीके विकसित किए गए हैं और उनके प्रभावी होने की सूचना है हालांकि वे अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हैं श्री एम बी पुलिस पाटल चरम रोग ठीक करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं वे परमेश्वर के अभिशाप नहीं हैं कहना न होगा कि चरवाहों में आलस्य है वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें और बच्चों को त्वचा रोग न हो इसका ध्यान रखें शुभकामनाएं जवारी बसन्नावे करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार तेरह एट मिलियन नाइन हंड्रेड फिफ्टी वन मिलियन फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी फोर केवल वॉट आसपास का क्षेत्र और पालना सूखा होना चाहिए रोगग्रस्त पशुओं का स्थानांतरण किया जाना चाहिए दुनिया के कुछ हिस्सों में टीके विकसित किए गए हैं और उनके प्रभावी होने की सूचना है हालांकि वे अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हैं श्री एम बी पुलिस पाटल चम रोग ठीक करने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं वे परमेश्वर के अभिशाप नहीं हैं। कहना न होगा कि चरवाहों में आलस्य है वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें और बच्चों को त्वचा रोग न हो इसका ध्यान रखें शुभकामनाएं जवारी बसन्ना मो नौ अरब अट्ठानवे करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार तेरह एट मिलियन नाइन हंड्रेड फिफ्टी वन मिलियन फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी फोर केवल वॉट शुभकामनाएं जवारी बसन्ना Mo, no Arab at or Chiasat Lak Unisar Terra, eight million nine hundred fifty one million four hundred seventy five thousand six hundred eighty four. Kivil Watt we kindly ask for your support in watching and sharing our content. Please consider subscribing to our channel, and thank you for your continued loyalty and interest.